सागर के बस ऑपरेटरों को बड़ा झटका लगा है। सागर में अब नए बस स्टैंड से ही यात्री बसों का संचालन किया जाएगा। पुराने बस स्टैंड से यात्री बसों का संचालन करना अवैध माना जाएगा। पिछले महीने कोर्ट के द्वारा जो स्टे दिया था उसे हटा दिया है, क्योंकि इसमें जो आदेश परिवहन अधिकारी को जारी करना चाहिए वह कलेक्टर ने कर दिया था। इसी एक बिंदु पर बस यूनियन स्टे ले आई थी, फिर इसमें प्रशासन की तरफ से वकील ने अपना पक्ष रखा, इसके बाद यह फैसला आया है। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्टे मिलने के बाद पुनः पुराने बस स्टैंड से यात्री बसों का संचालन शुरू कर दिया था, अब बस यूनियन कोर्ट के आदेश को मानते हुए नए स्टैंड से यात्री बस संचालित करना शुरू कर दें। कोर्ट का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, यानी कि अब नए आरटीओ कार्यालय के पास करीब 8 एकड़ की जगह में बने स्टैंड से ही यात्री बसों का संचालन किया जाएगा। देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे माननीय न्यायालय का आदेश का पालन पहले किया गया था कि जैसे ही स्टे आया था उसके बाद बस ऑपरेटर्स को कभी रोका नहीं गया कि उनको वहाँ से ऑपरेट करना है पुराने बस स्टॉप से, तो उन्होंने ऑपरेट किया। मेरा अनुरोध अपील आप सभी लोगों के माध्यम से बस ऑपरेटर से भी यही है कि जैसे माननीय न्यायालय के आदेश का पालन उन्होंने पहले किया था उसी प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेश का पालन वह पुनः करेंगे और बसों को नए बस स्टैंड से संचालित करना। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।